पिछले लेक्चर में हमने सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के डिफरेंसेस को डिटेल में पढ़ा था। इसके अलावा हमने ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स और फंक्शंस को निहायत ही डिटेल में पढ़ा था। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद है, यानी आपकी इंटर कंप्यूटर साइंस के पहले चैप्टर बेसिक्स ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर सॉफ्टवेयर और उसकी टाइप्स, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का टॉपिक मौजूद है, लेकिन ऑपरेटिंग सिस्टम का टॉपिक पंजाब टेक्स्ट बुक के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में पढ़ाई जाने वाली दूसरी बुक्स के अंदर ये टॉपिक मौजूद है। उसके साथ साथ जो लेक्चर हम आज पढ़ेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट और अब जो सबसे ज्यादा ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल हो रहे हैं उनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज करते हैं। दोस्तों, ऑपरेटिंग सिस्टम एनवायरनमेंट में जो सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम आया था वो था सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को सीरियल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम भी कहा जाता है। दोस्तों, सिंगल टास्किंग के मायने है कि कंप्यूटर एक वक्त में सिर्फ एक प्रोसेस यानी एक टास्क को करेगा, उसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करेगा। अगर आपको कोई और काम करना है तो पहले जो प्रोसेस चल रहा है उसको स्टॉप करना पड़ेगा, उसको रोकना होगा, तभी आप कोई दूसरा काम या कोई दूसरा प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सॉन्ग सुन रहे हैं और इसके बाद आप इसके अलावा और आप कुछ नहीं कर सकते। अगर आपको ब्राउजिंग करनी है तो आपको पहले अपने सॉन्ग्स के प्रोसेस को रोकना होगा, तभी आप सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर कोई दूसरा टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स मल्टीपल यूजर्स यानी बहुत से यूजर्स सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब एक यूजर अपना टास्क कंप्लीट कर लेगा तभी दूसरा यूजर अपना टास्क स्टार्ट करेगा। तो MS-DOS ऑपरेटिंग सिस्टम, कैलकुलेटर्स और डिजिटल वॉचेस सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की बेहतरीन मिसालें हैं। के बाद जो दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम आया, क्योंकि सिंगल टास्किंग की वजह से आप एक वक्त में बहुत सारे काम नहीं कर सकते थे, ये जरूरत पड़ी एक ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की जो बहुत सारे काम एक वक्त में कर सके, इसका नाम था मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टीटास्किंग को पैरेलल टास्किंग भी कहा जाता है, क्योंकि एक वक्त में एक यूजर मल्टीपल टास्क यानी बहुत सारे प्रोग्राम्स, बहुत सारे प्रोसेस को एक वक्त में चलाया जा सकता है। आजकल जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स आ रहे हैं वो मल्टीटास्किंग के फंक्शन को ही परफॉर्म करते हैं। जैसे विंडोज में आप म्यूजिक भी सुन रहे होते हैं, कुछ सर्च भी कर रहे होते हैं, डाउनलोडिंग भी साथ साथ चल रही होती है, एंटीवायरस भी चल रहा होता है, तो ये सब मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के बदौलत होता है। दोस्तों, ये आमतौर पर सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत ज्यादा महंगे होते हैं, क्योंकि इनके लिए जिस हार्डवेयर का इस्तेमाल किया जाता है वो सर्किटरी पैरेलल होने की वजह से बहुत ज्यादा कीमत की होती है, बहुत ज्यादा लागत वाली होती है। के बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया वो था मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम मीन्स बहुत सारे यूजर्स, बहुत सारे कंप्यूटर एक सिंगल सीपीयू या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम यानी सिंगल सिस्टम को एक्सेस कर सकते हैं, सिंगल सिस्टम को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये ज्यादातर बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जिनकी छोटी छोटी ब्रांचेस हर सिटीज में मौजूद होती हैं। उस ऑर्गेनाइजेशन के एक सिस्टम के अंदर, एक बड़े सिस्टम के अंदर तमाम ऑर्गेनाइजेशन का डाटा रख दिया जाता है। अब जिस भी ब्रांच के अंदर मौजूद कंप्यूटर को डाटा को एक्सेस करना है वो इस बड़े कंप्यूटर से उस डाटा को ले सकता है। दोस्तों, इसके अंदर तमाम यूजर्स एक नेटवर्क के जरिए आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे कि आप इस तस्वीर के अंदर भी देख सकते हैं, और यूजर्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक ऑपरेटिंग सिस्टम रिसोर्सेस को यूजर्स से शेयर करता है। फॉर एग्जाम्पल, इस कंप्यूटर को जो भी डाटा चाहिए इस बड़े सिस्टम से, इस बड़े मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम से, तो यहाँ पर मौजूद ऑपरेटिंग सिस्टम इसको वही डाटा ला कर देगा। दोस्तों, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम को बैलेंस रखने के लिए एक यूजर का दूसरे यूजर से टकराव ना हो जाए, डाटा आपस में एक दूसरे के पास में चले जाए, इसीलिए टाइम शेयरिंग सिस्टम्स का इस्तेमाल किया जाता है, यानी तमाम यूजर्स को थोड़े थोड़े टाइम के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम दे दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, कंप्यूटर ए को 2 सेकंड के लिए सीपीयू दे दिया जाता है, और जैसे ही ये 2 सेकंड कंप्लीट होंगे
इसको कंप्यूटर बी को 2 सेकंड्स मिल जाएंगे। इस तरीके से टाइम को बांटा जाता है ताकि तमाम कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम्स को इस्तेमाल कर सकें। दोस्तों मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम में क्योंकि बहुत सारे यूजर्स ऑपरेटिंग सिस्टम को इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसीलिए इसमें अकाउंट सेपरेशन के जरिए सिक्योरिटी को मैनेज किया जाता है। के बाद है, अब हम ये देखेंगे कि वो कौन से पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जो आज के दौर में इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हमें सबसे पहला ऑपरेटिंग सिस्टम है डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों आइए हम देखते हैं कि इस डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम की शुरुआत किस तरीके से हुई। दोस्तों 1980s में IBM और माइक्रोसॉफ्ट ने डॉस की दो फॉर्म्स इंट्रोड्यूस कराई, CDOS और MS-DOS। PC-DOS जो कि मुखफ्फिफ है पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि IBM के PCs के लिए बनाया गया था, और MS-DOS जो कि मुखफ्फिफ है माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का, जो कि IBM के अलावा तमाम कंप्यूटर्स के लिए बनाया गया था। दोस्तों 1991 में IBM और माइक्रोसॉफ्ट के दरमियान अलहदगी हो गई और PC-DOS IBM की मिल्कियत रहा और MS-DOS माइक्रोसॉफ्ट की मिल्कियत रहा, लेकिन PC-DOS के अभी भी अपडेटेड वर्जन माइक्रोसॉफ्ट IBM लॉन्च करता रहता है, लेकिन MS-DOS के वर्जन 7 के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने अभी तक कोई और वर्जन इंट्रोड्यूस नहीं कराया। तो दोस्तों आइए हम देखते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम किस तरीके से काम करता है। दोस्तों ये काली सी दिखने वाली स्क्रीन होती है जिस पर सफेद अल्फाज लिखे हुए होते हैं, यानी ये पूरा करैक्टर बेस्ड होता है। इसमें किसी किस्म की कोई ग्राफिक्स या फिर कोई तस्वीरें मौजूद नहीं होती। दोस्तों ये कमांड लाइन ऑपरेटिंग सिस्टम है, मींस जब भी हमें कंप्यूटर में कोई टास्क परफॉर्म करवाना होगा तो हम उसके लिए उसे कमांड टाइप कर लिख कर देंगे। फॉर एग्जांपल अभी आप जो भी कंप्यूटर यूज करते हैं, किसी फोल्डर में जाने के लिए आप माउस को डबल क्लिक करते हैं और डबल क्लिक करके फोल्डर में चले जाते हैं। अगर डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम्स में आपको पहले कुछ वर्ड्स पर मबनी कमांड लिखनी होगी उस फोल्डर में जाने के लिए, तब ही आप उस फोल्डर में जा सकते हैं। तो ये डिस्क बेस्ड ऑपरेटिंग सिस्टम है क्योंकि ये फाइल्स को मैनेज, रीड या फिर राइट करने के लिए हार्ड डिस्क का इस्तेमाल करते हैं। डॉस के अंदर मौजूद कमांड्स दो तरह की होती हैं, इंटरनल कमांड्स और एक्सटर्नल कमांड्स। इंटरनल कमांड्स जो कि आप जब डॉस को इंस्टॉल करते हैं तो ये उसमें बिल्ट इन होती हैं, यानी उसकी मेमोरी में पहले से मौजूद होती हैं, और एक्सटर्नल कमांड्स जो कि डिस्क पर मौजूद होती हैं और जब इनकी जरूरत होती है इन्हें मेमोरी में लोड करके इस्तेमाल किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल एक DIR की कमांड है, तो आपका डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले उसको इंटरनल कमांड्स यानी मेमोरी में चेक करेगा, अगर मेमोरी में नहीं मिलेगी तो उसको डिस्क पर यानी एक्सटर्नल कमांड्स के अंदर सर्च करेगा, और अगर एक्सटर्नल कमांड्स यानी डिस्क पर भी वो कमांड मौजूद नहीं होगी तो आपको एरर दे देगा। दोस्तों इसके साथ साथ आइए हम देखते हैं कि डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन कौन सी कमांड इस्तेमाल की जाती है। CLS जो कि स्क्रीन को क्लियर करने के लिए इस्तेमाल की जाती है, DIR, exit, date और भी दूसरी कमांड्स इस्तेमाल की जाती है। दोस्तों इसके साथ साथ डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम सिंगल यूजर और सिंगल टास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी इसके अंदर एक वक्त में एक यूजर एक ही प्रोसेस को परफॉर्म कर सकता है। के बाद है विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। दोस्तों ये सबसे ज्यादा यानी अब तक का सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है। दोस्तों आइए हम जानते हैं कि आखिर विंडोज का आगाज किस तरीके से हुआ। डॉस के बाद माइक्रोसॉफ्ट ने 1985 में लॉन्च किया विंडोज 1.0। दोस्तों डॉस में हमें कमांड्स टाइप करके काम करने होते थे, जबकि इसके अंदर बॉक्सेस दिए गए थे और बहुत से ऐसे प्रोग्राम्स बनाए गए थे जिसके जरिए विंडोज को इस्तेमाल करना डॉस के नस्बत बहुत ज्यादा आसान हो गया था। के बाद आया विंडोज 2.0। दोस्तों ये 9 दिसंबर 1987 में माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज किया। इसमें कीबोर्ड की शॉर्टकट कीज मौजूद थी और ये पहला ग्राफिकल यूजर इंटरफेस था जिसमें हम आइकन्स पर क्लिक कर सकते थे, साथ ही साथ इसमें एक्स्ट्रा ग्राफिक्स भी ऐड कर दिए गए थे। के बाद आया विंडोज 3.0। ये 22 मई 1990 में रिलीज की गई। इसमें नए आइकन्स पहले से ज्यादा यूजर फ्रेंडली यानी यूजर्स के लिए बहुत ही ज्यादा आसानी पैदा कर दी गई थी
और इसी विंडोज से कंप्यूटर गेमिंग का भी आगाज हुआ। अब आप घर बैठे कंप्यूटर में गेम भी खेल सकते थे। के बाद आई विंडोज 95, ये 1995 में रिलीज की गई। ये पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था जिसमें स्टार्ट मेन्यू, टास्क बार और स्टार्ट बटन बनाया गया था। दोस्तों इसके साथ साथ इसमें एक बड़ी खास बात ये थी कि इसमें मल्टी टास्किंग का फीचर भी इंक्लूड किया गया था, यानी आप गेम भी खेल सकते थे, साथ ही पेंटिंग भी कर सकते थे और इसके अलावा भी अलग अलग काम एक साथ अपने कंप्यूटर के अंदर कर सकते थे, जबकि डॉस के अंदर हम एक वक्त में सिर्फ एक काम ही कर सकते थे। और दोस्तों इसके अंदर एक और नया फीचर प्लग और प्ले का इंट्रोड्यूस कराया गया। प्लग और प्ले मींस पहले जब भी हम कंप्यूटर से कोई हार्डवेयर अटैच करते थे तो उसके ड्राइवर्स भी हमें साथ ही इंस्टॉल करना होता था, जो कि उस ड्राइवर को मैनेज कर रहा होता था, जो कि उस हार्डवेयर को मैनेज कर रहा होता था। लेकिन प्लग एंड प्ले फीचर के जरिए विंडोज में बिल्ट इन यानी पहले से ड्राइवर्स इंस्टॉल होते थे और जो बिल्ट इन नहीं होते थे वो आपकी विंडोज खुद ही डाउनलोड कर लेती थी। तो दोस्तों इन तमाम फीचर्स से विंडोज बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से अपग्रेड हो रही थी। के बाद विंडोज 98 आई। ये 1998 में विंडोज 98 माइक्रोसॉफ्ट ने रिलीज की। नए सॉफ्टवेयर एड्रेस बुक और माइक्रोसॉफ्ट चैट थी विंडोज 98 में इंट्रोड्यूस कराई गई। इसके साथ साथ पहला वीडियो सीडी और डीवीडी प्लेयर भी विंडोज 98 में ही लॉन्च किया गया। दोस्तों फिर आ गई 20वीं सदी और इसी के साथ विंडोज बहुत ही ज्यादा बदल चुकी थी। और फिर विंडोज ने 2000 में एक बार फिर अपना नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया जो कि पॉपुलर नहीं हुआ। इसके बाद एक साल बाद आई विंडोज एक्सपी। ये 25 अक्टूबर 2001 में लॉन्च हुई। ये कलरफुल मेन्यूज, टास्क बार और यूजर फ्रेंडली एनवायरनमेंट की वजह से इसको बहुत ज्यादा पजीराई मिली। दोस्तों इसके बाद आई विंडोज 7, विंडोज 8 और विंडोज 10, जो कि अभी तक जो अब के दौर में हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इससे बहुत ज्यादा फायदा हासिल कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थी विंडोज का सफर। इसके बाद जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है यूनिक्स। यूनिक्स मुखफ्फ है यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सर्विस का। दोस्तों जिसको 1970s में बेल लेबोरेटरी में डेनिस रिची और कैन थॉमसन ने बनाया था। दोस्तों डेनिस रिची वही हैं जिन्होंने सी को भी डेवलप किया था, इसीलिए यूनिक्स का ज्यादातर हिस्सा सी लैंग्वेज पर मुश्तमिल है। दोस्तों ये मल्टी यूजर और मल्टी टास्किंग होने के साथ साथ हाईली पोर्टेबल भी है, यानी बहुत से ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे कि विंडोज 95, 98, XP सिर्फ एक मैन्युफैक्चरर, एक हार्डवेयर पर ही चल सकते हैं, एक ही मशीन पर चल सकते हैं, जबकि यूनिक्स एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि IBM, HP, सन और दूसरी मशीन्स पर रन हो सकता है। इस तरह डॉस एक कमांड लाइन इंटरप्रेटर है, बिल्कुल इसी तरीके से यूनिक्स का भी एक पावरफुल कमांड लाइन इंटरप्रेटर होता है जो कि शेल कहलाता है। शेल जिस पर कमांड्स को लिखते हैं, यूजर को अगर हार्डवेयर को एक्सेस करना होता है तो यूजर की रिक्वेस्ट को पहले लाइब्रेरी में चेक करेगा कि ये कमांड प्रेजेंट भी है या नहीं, और अगर वो मौजूद होगी तो उसे कर्नल को सेंड कर देगा। फिर कर्नल उसको हार्डवेयर तक पहुंचाता है और हार्डवेयर की रिस्पॉन्स को शेल और फिर शेल यूजर तक उस रिस्पॉन्स को सेंड करता है। तो कर्नल को यूनिक्स का हार्ट भी कहा जाता है क्योंकि ये ज्यादातर प्रोसेस यूनिक्स के टास्क प्रोसेसेस, फाइल मैनेजमेंट, टास्क शेड्यूलिंग ये कर्नल ही यूनिक्स को करके देता है। दोस्तों यूनिक्स के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जिसके अंदर सबसे पहला ये है कि ये यूजर फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि ये आपको तमाम प्रोसेस को करवाने के लिए उसके अगेंस्ट कमांड्स को सीखना होगा। इसके साथ साथ ये दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम की निस्बत हल्की स्पीड में काम करता है। इसके बाद आया लिनक्स। यूनिक्स के बाद यूनिक्स की तरह का एक और ऑपरेटिंग सिस्टम 1991 में रिलीज किया गया। दोस्तों ये ऑपरेटिंग सिस्टम ओपन सोर्स और कम्युनिटी डेवलप था। दोस्तों जब आपके पास विंडोज की तरह का इतना अच्छा ऑपरेटिंग सिस्टम आ गया था तो फिर लिनक्स की जरूरत यानी इस नए ऑपरेटिंग सिस्टम की जरूरत क्यों पेश आई? दोस्तों इसकी ओपन सोर्स होने की वजह से आइए हम जानते हैं कि ये ओपन सोर्स क्या होता है। विंडोज, यूनिक्स
और एमएस डॉस ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जो आपको बांध कर रखते हैं, यानी जैसे जैसे आप जैसा आपको ऑपरेटिंग सिस्टम मिलता है आप उसी तरीके से उसे इस्तेमाल करेंगे, खुद से कोई तब्दीली नहीं कर सकते। लेकिन लिनक्स में अगर आपको कोई पार्ट आप पसंद नहीं करते तो उसको आप अपनी मर्जी से प्रोग्राम करके तब्दील कर सकते हैं, और अगर वो प्रोग्राम लिनक्स के ओनर्स अप्रूव कर दें तो आप उसको परमानेंटली लिनक्स का हिस्सा बना सकते हैं और उसको आप उसको दूसरे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों इसीलिए लिनक्स के अब बहुत से वर्जन्स, बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन आ चुकी है जिनमें फेडोरा, यूबंटू, डेबियन और सोलस और इसके अलावा भी बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन मौजूद हैं, और जो वर्जन आपके लिए बेस्ट हो आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ लिनक्स फ्री है, फॉर एग्जाम्पल विंडोज तकरीबन $882 तक की अगर आप डायरेक्टली माइक्रोसॉफ्ट से खरीदते हैं तो आपको मिलेगी, जबकि लिनक्स ना सिर्फ बिल्कुल फ्री है बल्कि यूनिक्स की निस्बत बहुत कन्वीनियंट भी है, यानी इसको इस्तेमाल करना कि GUI इसका ग्राफिकल यूजर इंटरफेस बहुत ही ज्यादा बेहतरीन है। और दोस्तों इसको तमाम लोगों ने यानी इसको बहुत से लोगों ने मिलकर बनाया है, इसीलिए ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। यहाँ तक कि हमने जाना कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, उसके फंक्शंस और फीचर्स कौन कौन से होते हैं, इसके साथ साथ सिंगल टास्किंग, मल्टी टास्किंग और मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे होते हैं और किस तरीके से काम करते हैं, और अब तक के पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम डॉस, लिनक्स, यूनिक्स और विंडोज के बारे में डिटेल में पढ़ा है। अगले लेक्चर में हम लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स को डिटेल में पढ़ेंगे।